देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। वहीं खरगोन जिले की ग्राम पंचायत गंधावड़ में महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं ने सर्वसम्मति से ग्राम हित में किए कई महत्वपूर्ण निर्णय। तीन पुरुष व जनप्रतिनिधियों ने भी किया महिलाओं का सम्मान। ग्राम गंधावड़ को स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। देशभर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भैंसदेही में भारतीय युवा कांग्रेस सेवा दल ने महिलाओं का किया सम्मान। जिला उपाध्यक्ष राहुल छत्रपाल ने महिलाओं का सम्मान किया। कहा कि महिलाएं, माताएं, बहनें हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इस अवसर पर सेवा दल यूथ कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम बाबरोन में विधायक राजवर्धन सिंह की सौगात। आंगनबाड़ी कार्यालय का किया शुभारंभ। विधायक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। इस दौरान सरपंच नवल सिंह, सचिव जगदीश चंद्र सेन सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देशभर में हो रहा महिलाओं का सम्मान। छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव के दमुआ थाने में ऊर्जा महिला डेस्क का किया शुभारंभ। थाना प्रभारी दमुआ ने नगर की महिलाओं का शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान। इस दौरान नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत ने महिलाओं को सशक्त होने के लिए किया जागरूक। पुलिस स्टाफ, नगर की महिलाएं और पत्रकार रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का किया गया सम्मान। एक निजी होटल में मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान को लेकर की गई चर्चा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर कौशलेंद्र, नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा सहित आदि लोग मौजूद। आलोट के नगर रानीपुरा महिला मंडल के द्वारा भागवत कथा की शुरुआत। भागवत कथा की शुरुआत से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश एवं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर आकर्षक परिधानों में चल रही थी, तो वहीं युवा वर्ग भजनों की धुन पर थिरकते हुए जयकारा लगाते दिखे। शोभा यात्रा का जगह जगह पर किया गया भव्य स्वागत। लोधा समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न। धार लोधा समाज शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक इंदौर में सम्पन्न। बैठक में लोधा समाज शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष लोधा रामगोपाल लावंची इंदौर को किया नियुक्त। लोधा समाज युवा संगठन धार के जिला मीडिया प्रभारी लोधा विमल लववंशी ने दी जानकारी।